हेलो एवरीवन, दिस इज अविनाश संचेती फ्रॉम नवीन क्लासेस कोलकाता। आईसीएआई ने बहुत ही डिटरमाइंड तरीके से सीए इंटर का एग्जामिनेशन, सीए फाइनल फाउंडेशन का एग्जामिनेशन हेल्ड करने के लिए नोटिफिकेशन ला दिया है, अलॉन्ग विद गाइडलाइंस फॉर सेफ्टी रूल्स एंड रेगुलेशन किस तरीके से एग्जाम कंडक्ट होगा। जो भी बातें चल रही है, जो भी हो रहा है, सब होने दो। एज अ स्टूडेंट आपका काम यह है कि आप प्रिपरेशन में लगे रहो, और इस प्रिपरेशन में थोड़ा सा और एड ऑन करने के लिए आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आईसीएआई का लेटेस्ट मॉक टेस्ट सीरीज। अक्टूबर 2020 का जो मॉक टेस्ट सीरीज है फॉर नवंबर 20 एग्जाम, उसके अकाउंटिंग पेपर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। हां, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूरा मॉक टेस्ट पेपर मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं, बट इस मॉक टेस्ट पेपर में जो जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, जो आपको क्वेश्चंस देखने चाहिए, वो मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। अगर आपने सोच रखा है कि आप पूरे 3 घंटे बैठ के ये मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करोगे, जो कि बहुत अच्छी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है, करना भी चाहिए, तो फिर इस वीडियो को आप बाद में रेफर कर सकते हो। बट अगर आप सोच रहे हो आपके पास टाइम की अवेलेबिलिटी कम है एंड अब आप पूरा मॉक टेस्ट पेपर नहीं दे पाओगे, बट इंपॉर्टेंट पार्ट आपको जानने हैं, तो ये वीडियो को एंड तक आपको देखने का है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे मॉक टेस्ट पेपर 1 अकाउंटिंग का डिस्कशन का। और जो जो मैं पॉइंट्स बोलूं, जो जो बातें बोलूं, वो ध्यान से सुनिएगा, मार्क कीजिएगा, वो पॉइंट्स आपको पढ़ के जाने हैं, इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम है। आरटीपी का वीडियोस ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया, नवंबर 2020 की आरटीपी का वीडियोस, उसमें भी बहुत सारे ऐसे पोर्शंस थे जो पहले इंस्टीट्यूट ने नहीं पूछे थे, बट इस बार इंस्टीट्यूट ने आरटीपी में और दिया है, तो मेरे को लगता है एग्जाम वाइज वो भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो आरटीपी वाला वीडियो भी जरूर जरूर रेफर करें। चलिए हम लोग, सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं चाहता हूं जो आपको करना है, जो इंपॉर्टेंट है, वो है क्वेश्चन 1A। ये क्वेश्चन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 द इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट से है, और ये क्वेश्चन आधारित है पैरा 46A पर। ये पैरा आपने सुना होगा, क्या बोलता है ये पैरा? सर, अगर फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम है, कोई हमारी बैलेंस शीट में फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम है, जैसे रिसीवेबल्स, पेएबल्स, कैश, कैश इक्विवेलेंट्स एक्सेट्रा, तो सर उनको ईयर एंड पर हम रीस्टेट करते हैं एट क्लोजिंग एक्सचेंज रेट, एंड जो भी एक्सचेंज डिफरेंस आता है वो नॉर्मली वो एक्सचेंज डिफरेंस हम कहां डाल देते हैं, बताओ? वो एक्सचेंज डिफरेंस डाल देते हैं पीएल में। बट पैरा 46A में एंटिटीज को एक ऑप्शन दिया गया, बोला गया अगर आप के यहां कोई लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम है, एक्सक्यूज मी, लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम है और उसके रिपोर्टिंग में देर इज सम एक्सचेंज डिफरेंस, या उसके सेटलमेंट में देर इज सम एक्सचेंज डिफरेंस, ये एक्सचेंज डिफरेंस आप पीएल में डालने की जगह अलग तरीके से भी ट्रीट कर सकते हो। क्या बोला उन्होंने? अगर ये फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम इज रिलेटेड टू परचेज ऑफ अ डेप्रिशिएबल फिक्स्ड एसेट, तो ये एक्सचेंज डिफरेंस आप ऐड या डिडक्ट कर सकते हो, एडेड और डिडक्टेड टू द कॉस्ट या कैरिंग अमाउंट ऑफ द फिक्स्ड एसेट। जो भी एक्सचेंज डिफरेंस होगा उस मॉनेटरी आइटम में, लोन में, नॉर्मली मान लो आपने एक फिक्स्ड एसेट खरीदने के लिए एक लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी लोन लिया है, उस लोन में जो भी एक्सचेंज डिफरेंस आएगा, वो लोन का एक्सचेंज डिफरेंस आप चाहो तो फिक्स्ड एसेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। अगर वो एक्सचेंज डिफरेंस आपके लिए फेवरेबल है, प्रॉफिट में रिजल्ट कर रहा है, तो एसेट की कॉस्ट से डिडक्ट कर सकते हो, जो भी आगे का डेप्रिसिएशन होगा वो उसके हिसाब से निकल जाएगा, नई बुक वैल्यू के हिसाब से। अगर ये किसी अदर आइटम से रिलेटेड है, फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड नहीं है, अदर आइटम से रिलेटेड है, तो उसको फिर एक नए अकाउंट में डाल सकते हो, फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम ट्रांसलेशन डिफरेंस अकाउंट, और ये ट्रांसलेशन डिफरेंस का जो भी आपका रिजर्व्स है, एट द एंड आप जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर सकते हो। तो आप उसको पीएल में डालने की जगह फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम ट्रांसलेशन डिफरेंस में डाल सकते हो। ये पैरा 46A का जो ऑप्शन दिया गया, ये एंटिटी चाहे तो ऑप्ट कर सकती है, नहीं तो जैसे पीएल में अपना एक्सचेंज डिफरेंस डालती है, डाल सकती है। एक बार ऑप्ट कर लिया तो ये हमेशा आपको यूज करना पड़ेगा। और इस पैरा 46A में आपको ये एक्सचेंज डिफरेंस तब तक ही
तब तक ही आपको कैपिटलाइज करने मिलेगा जब तक आपका वो लोन लोन का मैच्योरिटी ना आ जाए। एक सनसेट क्लॉज भी था 31 मार्च 2020 और 1 अप्रैल 2020। उसके साथ एक और बात है कि अगर आपका लोन है और वो लोन का डेट जब तक खत्म नहीं हो जाता, उस लोन की अवधि पर आप ये अमोर्टाइज कर सकते हो ओवर द पीरियड ऑफ लोन। 31 मार्च 2020 भी एक सनसेट क्लॉज दिया गया। ये पैरा 46A के ऊपर बच्चों ने मेरे से पूछा, सर क्या ये अब आएगा क्योंकि इसका काम कंप्लीट हो गया, सर इसकी डेट चली गई है? क्योंकि इसके ऊपर एक और बात है कि टिल द डेट ऑफ लोन, टिल जब तक आप लोन का रीपेमेंट नहीं करते तब तक आप कर सकते हो ये काम। तो हम लोग, क्योंकि डेट ऑफ लोन हो सकता है 31 मार्च 2020 को क्रॉस करे, तो ये अभी भी एप्लीकेबल है, आपको ध्यान रखना है इस बात को। इंस्टीट्यूट ने इसी के ऊपर क्वेश्चन दिया स्पेसिफिकली। नॉर्मली इस प्रोविजन के ऊपर स्पेसिफिकली क्वेश्चन नहीं आता, बट इस बार दिया हुआ है तो आपको इस बात पर ध्यान रखना है। पढ़ता हूं क्वेश्चन। ओम लिमिटेड परचेज एन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट फॉर $50 lakhs ऑन 1/4/19 एंड द सेम वॉज फुल्ली फाइनेंस्ड बाई फॉरन करेंसी लोन रीपेबल इन 5 equal installments annually। ये जो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट फिक्स्ड एसेट खरीदा है, इसके लिए जो पैसा चाहिए था वो लोन के रूप में उठाया गया है और वो लोन 5 annual installment payment होगा, मतलब 5 साल का लोन है। तो ये लोन मेरे लिए लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम हो गया, लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम। और क्यों आया ये? क्योंकि हमको एक फिक्स्ड एसेट खरीदना था, ठीक है। एक्सचेंज रेट एट द टाइम ऑफ परचेज 60। एज ऑन 31 मार्च 2020 द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट वॉज पेड व्हेन $1 फेस्ट 62। 50 लाख का लोन है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हो गया 10 लाख का। इंटरेस्ट रेट के बारे में कुछ दिया नहीं है तो मैं एक बार उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं। 50 लाख में 10 लाख का रीपेमेंट हुआ और उस समय रेट चल रहा है 62। जो लोन 60 पर लिया था जब रेट 60 था, अब रेट 62 हो गया। अगर रेट बढ़ गया तो जब आप $10 lakh मार्केट से लेके पेमेंट करोगे तो आपको 62 के हिसाब से रुपया देना होगा, विच इज अ लॉस फॉर दी एंटिटी। तो ये जो लाइबिलिटी 60 रुपया के हिसाब से था, वो लाइबिलिटी रीस्टेट कर रहा होगा 62 रुपया के हिसाब से, ये 2 रुपए का नुकसान होगा। $50 lakh का लोन था, 10 लाख आप रीपे कर रहे हो, 40 लाख अभी भी आउटस्टैंडिंग है। चाहे रीपे कर रहे हो चाहे आउटस्टैंडिंग है, हम लोगों को तो फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम को रीस्टेट करना ही पड़ेगा। यहां भी 2 रुपए का लॉस, यहां भी 2 रुपए का लॉस, ये हो गया 20 लाख रुपए का लॉस, ये हो गया 80 लाख रुपए का लॉस। ये रियलाइज्ड, ये अनरियलाइज्ड। रियलाइज मतलब ये लॉस हो गया क्योंकि हमने डॉलर लेके पेमेंट किया तो हमको ये नुकसान झेलना पड़ गया है। 80 लाख का लॉस अभी भी अनरियलाइज्ड है, बट आपको वो सेटलमेंट हो या रिपोर्टिंग हो, अगर फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस है तो उसको आपको ट्रीट करना पड़ेगा ध्यान से। द एंटायर लॉस वॉज इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। एंटिटी ने ये पूरा का पूरा लॉस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, यानी मैं एक बार बोलूं तो ट्रेडिंग अकाउंट में डाल दिया है। ओम लिमिटेड नॉर्मली प्रोवाइड्स डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी एट 20% ऑन WDV बेसिस एंड exercised the option to adjust the cost of asset for exchange difference arising out of loan restatement and payment। एंटिटी ने एक्सरसाइज कर रखा है पैरा 46A का ऑप्शन। अगर आपने एक्सरसाइज कर रखा है, वंस एक्सरसाइज इट हैज टू बी मैंडेटरी फॉलोड। अगर आपको मैंडेटरीली फॉलो करना है, फिर ध्यान रखे बात, जो ये 20 लाख 80 लाख 1 करोड़ रुपए का एक्सचेंज डिफरेंस है, ये 1 करोड़ रुपए का एक्सचेंज डिफरेंस मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में डालने नहीं दूंगा। ये 1 करोड़ का एक्सचेंज डिफरेंस आपको एसेट की कॉस्ट से ऐड करना होगा। तो एंटिटी ने जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में एडजस्ट कर दिया वो सही नहीं है। Calculate the amount of exchange loss, its treatment and depreciation on this item of property, plant and equipment। ठीक है, आ जाओ एकदम basic बात करता हूं। सबसे पहले exchange loss की बात करता हूं। Realized loss $10 lakh, $10 lakh into 2 रुपया का जो हमने repayment किया उस पर तो loss हो ही गया, और अनरियलाइज्ड लॉस जो रिपोर्टिंग हमको करना पड़ेगा फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम का यूजिंग क्लोजिंग रेट 40 लाख इंटू 2, टोटल एक्सचेंज लॉस हो गया 1 करोड़ रुपए का, 100 लाख। ये क्या होना चाहिए? शैल बी एडेड टू कॉस्ट ऑफ पीपीई, एडेड टू कॉस्ट ऑफ पीपीई एज पर पैरा 46A। यहां तक बात ठीक है? तो पहला काम हो गया एक्सचेंज लॉस, ट्रीटमेंट भी बता दिया। तो एंटिटी ने जो ट्रीटमेंट किया वो गलत है,
ठीक है, इसके बाद बोला डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो। एसेट का कॉस्ट है 3000, सॉरी मैं आपको निकाल के दिखा दूं, 50 लाख डॉलर इंटू 60 रुपया, जिस दिन खरीदा उसके हिसाब से आपको रिकॉर्ड करना पड़ता है, ये हो गया 3000 लाख्स प्लस एक्सचेंज डिफरेंस, प्लस एक्सचेंज डिफरेंस कितना 100 लाख्स, टोटल हो गया 3100 लाख्स। इसके ऊपर डेप्रिसिएशन एट द रेट 20%, डेप्रिसिएशन एट द रेट 20% कितना होता है 620 लाख्स, डेप्रिसिएशन एट द रेट 20% हो गया 620 लाख्स। तो क्वेश्चन नंबर 1A पैरा 46A के ऊपर, बहुत बच्चे ये डाउट में है कि सर क्या पैरा 46A पढ़े कि छोड़ दे, मैं बोला पढ़ के जाना है, मॉक टेस्ट में पहला क्वेश्चन दे दिया है, एक बार अच्छे से रीड करके जाओ, ये सब कुछ नहीं है, एकदम सिंपल चीज है, आप आराम से कर पाएंगे। सर लिखना कैसे आंसर, सबसे पहले पैरा 46A का ज्ञान, एनी एक्सचेंज डिफरेंस अराइजिंग ऑन ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन रिपोर्टिंग और सेटलमेंट ऑफ फॉरेन करेंसी, लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी मॉनिटरी आइटम इन रिलेशन टू परचेज ऑफ अ पीपी, डेप्रिशिएबल पीपी कैन बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांटिंग इक्विपमेंट फुल स्टॉप, द ऑप्शन शैल बी एक्सरसाइज बाई द एंटिटी एंड ऑप्शन 1 एक्सरसाइज शैल कैन नॉट बी रिवोक्ड, द ऑप्शन शैल बी एक्सरसाइज फॉर एवर, ये फैक्ट आपको डिस्क्लोज करना पड़ता है नोट्स टू अकाउंट पे फुल स्टॉप। इन द प्रेजेंट केस ये हुआ, एक्सचेंज लॉस कैलकुलेट किए, सच एक्सचेंज लॉस शैल बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ पीपी एंड नॉट एडेड टू द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, फिर आपको फाइनल निकाल के देना है डेप्रिसिएशन, डन। आगे चलता हूं, क्वेश्चन 1B गवर्नमेंट ग्रांट पे, एकदम सेम क्वेश्चन मैंने अपने मॉक टेस्ट में दिया था, आप चेक कर सकते हो, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा कोई डिस्कशन का बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1C का 1, बढ़िया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में करा भी रखा है, ध्यान से। एंटिटी ए कैरिड प्लांट एंड मशीनरी इन इट्स बुक एट 2 लाख रुपीज विच वर डिस्ट्रॉयड इन अ फायर, 2 लाख रुपए का प्लांट एंड मशीनरी था, फ्लाई फायर में डिस्ट्रॉय हो गया। दीज मशीन्स वेर इंश्योर्ड फॉर न्यू फॉर ओल्ड एंड वेर रिप्लेस्ड बाय द इंश्योरेंस कंपनी विद न्यू मशीन्स ऑफ फेयर वैल्यू 20 लाख। आग लगा, आग लगने के बाद इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस लिया हुआ था और इंश्योरेंस का टर्म्स था न्यू फॉर ओल्ड, आग लगेगा तो हमको पैसा नहीं चाहिए, नया मशीन देना और नया मशीन का फेयर वैल्यू 20 लाख, ठीक है। द ओल्ड डिस्ट्रॉयड मशीन्स वेर अक्वायर्ड बाय इंश्योरेंस कंपनी एंड द कंपनी डिड नॉट रिसीव एनी कैश सेटलमेंट, क्या चाहिए भाई, तुमको पुराना मशीन के जगह नया मशीन दे दिया, बच्चे की जान लोगे क्या, पुराना मशीन डिस्ट्रॉय हुआ नया मशीन दे दिया और वो मशीन लेके चला गया, ठीक है। स्टेट हाउ एंटिटी ए शुड अकाउंट फॉर द सेम, बताओ एंटिटी ए को इसको कैसे अकाउंट फॉर करना है, एकदम बेसिक सिंपल, जो नया मशीनरी खरीदा आया मेरे पास, वो नया मशीनरी ध्यान से, एक मशीन गया दूसरा मशीन आया, ना कुछ कैश लिया ना कुछ कैश दिया, न्यू फॉर ओल्ड के हमने बात कर रखी थी इंश्योरेंस कंपनी से, उन्होंने दे दी, उसका फेयर वैल्यू 20 लाख। ये जो ट्रांजैक्शन हुआ है, ट्रांजैक्शन एक जाके एक आया, ये कमर्शियल सब्सटेंस है, तो नया मशीन को हम लोग रिकॉर्ड करेंगे फेयर वैल्यू विच इज 20 लाख रुपीज, 20 लाख रुपीज। 2 लाख रुपए का मेरा जो ये मशीन का नुकसान हुआ, ये मेरे लिए लॉस है, लॉस है तो पीएल में चला जाएगा, लॉस रुपीज 2 लाख्स। और जो ये 20 लाख का मशीन मेरे को इसके अगेंस्ट लिखा, ये मेरे को एक गेन दिखाना पड़ेगा, कितने का, 20 लाख का। आप चाहो तो नेट गेन 18 लाख रुपए दिखा दो, नेट गेन 18 लाख रुपए का दिखा दो, 18 लाख रुपए कैसे, 2 लाख का मशीन गया 20 लाख का मशीन आया, नेट जो एक्स्ट्रा आया वो मेरा गेन हो गया 18 लाख। जर्नल एंट्री अगर आप पास करना चाहते हो, न्यू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट 20 लाख्स, टू ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी 2 लाख्स, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रुपीज 18 लाख्स, क्योंकि जो भी गेन या लॉस होता है एज पर AS 10 हम लोग डाल देते हैं कहां, पीएल में, तो ये गेन और लॉस 18 लाख का चला जाएगा। इंस्टीट्यूट ने जो इसका आंसर दिया है ना मॉक टेस्ट में, मेरे को वो थोड़ा सा आंसर पाथ से भटकते हुए लगा, क्योंकि यहां पे बोला है वे रिप्लेस्ड, रिप्लेस हो चुका है, अगर रिप्लेस हो चुका है तो फिर इंस्टीट्यूट ने लिखा ये तभी रिकॉर्ड करना जब वर्चुअली सर्टेन है कि मिल जाएगा, वगैरह वगैरह वाली बात नहीं आती, क्योंकि बोल रहे वे रिप्लेस, उन्होंने रिप्लेस कर दिया, मतलब हमको नया मशीनरी मिल गया अगेंस्ट ओल्ड, तो नया मशीनरी 20 लाख में लिखूंगा, 2 लाख का ओल्ड मशीनरी मेरा गया और 18 लाख का नेट गेन में रिकॉर्ड करूंगा। इंस्टीट्यूट ने बोला 2 लाख का लॉस अलग रिकॉर्ड कर लो, 20 लाख का गेन अलग रिकॉर्ड कर लो, नेट गेन 18 लाख रुपया का हमको रिकॉर्ड करना है।
बट ये अच्छा क्वेश्चन है, एक जा रहा है एक आ रहा है, ये आप बोल सकते हो अगर हम पीपी अक्वायर कर रहे हैं इन एक्सचेंज ऑफ अदर पीपीई, एक पीपी इंश्योरेंस कंपनी ले गया उसके अगेंस्ट आपको दूसरा कंपनी दूसरा दे दिया, क्योंकि ट्रांजैक्शन में कमर्शियल सब्सटेंस है, फेयर वैल्यू पे नया वाला मशीनरी रिकॉर्ड होगा और जो भी डिफरेंशियल गेन है वो पीएल में जाएगा। डर है बात, अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन टू का टू, थ्री का टू आप देख सकते हो, सेम क्वेश्चन आपको क्लास में कराया, रिनोवेशन हुआ है उससे सिटिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, एडिशनल रेवेन्यू आएगा, तो हम लोग बोलते हैं सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर अगर होता है जिससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आए उसको कैपिटलाइज कर सकते हो, ये वाला बात आपको इसमें लिखना है, नॉट टफ एट ऑल। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा दिया, बहुत अच्छा, एंड ये क्वेश्चन वही बच्चे आंसर कर सकते हैं जिन बच्चों को नॉलेज है प्रैक्टिकल चीजों की। मेरे हिसाब से आप सारे बच्चे ये क्वेश्चन आंसर कर पाओगे क्योंकि मेरे को लगता है आपने वो प्रैक्टिकल नॉलेज अक्वायर की है। क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एज पर AS 3, सब जानते हैं कैश बैलेंस, बैलेंस विद बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटीज। मार्केटेबल सिक्योरिटीज क्या होता है? वेरी शॉर्ट टर्म highly liquid investment which can be readily convertible into known amount of cash having insignificant risk of change in value, ye aap log jante hain. From the following information calculate cash and cash equivalent as on 31st March 2019, matlab ye learn to sab kar lete hain, बहुत जनों को पता ही नहीं कि एक्चुअल कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आता क्या है। ये आइटम दिए गए हैं इतने सारे, बोला बताओ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का टोटल क्या होगा जो बैलेंस शीट में हमको दिखाना है। बहुत ध्यान से, कैश बैलेंस आएगा, ये आएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, फिक्स डिपॉजिट क्रिएटेड ऑन 1/11/18 मैच्योरिंग ऑन 15/7/19, 1/11/18 को रखा 15/7/19 को मैच्योर करेगा, ये फ्री नहीं है, अगर ये फ्री नहीं है ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में नहीं आएगा। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इन हाईली लिक्विड सोवरेन डेट म्यूचुअल फंड मेड ऑन 1/3/19 हैविंग मैच्योरिटी ऑफ लेस देन 3 मंथ्स, मार्केटेबल सिक्योरिटीज आएगा। फिर बैंक बैलेंस इन फॉरेन करेंसी अकाउंट इन इंडिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फॉरेन करेंसी हो या इंडियन करेंसी हो वो आपके कैश का पार्ट रहेगा। $1,000 है, जिस दिन डिपॉजिट किया उस दिन 69, बैलेंस शीट डेट के दिन 70, मॉनिटरी आइटम है क्लोजिंग रेट पर 1,000 × 70 रुपया, ये 70,000 रुपया आ गया मेरा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है। डिबेंचर परचेज 10 लाख विच आर रिडीमेबल ऑन 31st October 2019, परचेज किया है, कुछ नहीं बोला मैं, मान लेता हूं 31st March 2019 को ही किया होगा, ये लो ये बैलेंस शीट डेट के दिन ही किया होगा, ये रिडीमेबल है 31st October को, 3 महीना से लॉन्ग टर्म है, मतलब ये हाईली लिक्विड नहीं है, ये नहीं आएगा। शेयर्स ऑफ अल्फा लिमिटेड परचेज, शेयर्स तो कभी भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में नहीं आता क्योंकि उसमें हायर रिस्क, सिग्निफिकेंट रिस्क होता है चेंज इन वैल्यू, ये भी नहीं आएगा। तो मेरा टोटल हो जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का 1,80,000 रुपए, 1,80,000 रुपए। सर क्या क्वेश्चन पूछा है, कैश, बैंक बैलेंस, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, क्या क्या नहीं आएगा? डिबेंचर्स क्योंकि मैच्योरिटी 3 महीने से ज्यादा है, शेयर्स क्योंकि सिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ चेंज इन वैल्यू है, फिक्स डिपॉजिट क्योंकि मैच्योरिटी लॉन्ग टर्म है 3 महीने से ज्यादा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था और अलग क्वेश्चन था, ऐसा आपने किया नहीं होगा, जरूर देख के जाना। आगे चलता हूं, इनोवेटिव क्वेश्चन है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। मैं बोलूंगा ये क्वेश्चन सारे बच्चों को जरूर 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 बनाना है। बहुत सारे बच्चे कंपनी का पूछते हैं मेरे से पीएल बैलेंस शीट सर देख के जाए कि नहीं जाए, मैं बोलता हूं 1 या 2 क्वेश्चन जरूर बना के जाओ, ऑन अ बैड डेट आ जाए जैसे नवंबर 19 में आया था तो आपको डर ना लगे। और यह सब कुछ टफ नहीं होता, बेसिक फॉर्मेट है, फॉर्मेट लर्न करके आपको चीजें जगह पर बैठानी है, डन, ये आपको खुद से करना है, इंपॉर्टेंट है, पीएल बैलेंस शीट बनाने का क्वेश्चन है, प्रैक्टिस हो जाएगा। अच्छा आगे चलता हूं, ये वाला क्वेश्चन 2B, अच्छा लगा मेरे को क्वेश्चन। मेधा लिमिटेड टुक अ लोन फ्रॉम बैंक 10 लाख टू बी सेटल्ड विद इन 5 ईयर्स इन 10 equal half yearly इंस्टॉलमेंट विद इंटरेस्ट, 5 साल के लिए लिया है, 10 equal half yearly इंस्टॉलमेंट में सेटाएंगे, ठीक है, 10 equal 5 साल में 6-6 महीना 2-2 बार 10 हो गया। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज ड्यू ऑन 30/9/2020 फॉर 1 लाख, पहला इंस्टॉलमेंट का ड्यू डेट है 30/9/2020, 1 लाख रुपए का। डिटरमाइन हाउ लोन विल बी क्लासिफाइड इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ मेधा लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020 अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 3। जब 31st March 2020 का बैलेंस शीट बनेगा ये लोन का सेग्रीगेशन कैसे होगा, ध्यान से मेरी बात सुनना। लोन का रीपेमेंट होने वाला है विद इन 5 ईयर्स और पहला इंस्टॉलमेंट है 30/9/2020, 31st March 2020, लोन टोटल 5 साल का, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है 1 लाख रुपए का 30/9,
फिर बोला है हाफ ईयरली, तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट होगा 1,00,000 रुपए का, इक्वल बोला है 31 मार्च 2021। थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ आगे आते जाएगा, बट वो सारे इंस्टॉलमेंट होंगे आफ्टर 31 मार्च 2021। कितना रुपया बचा? 8,00,000 रुपया। डन है क्या बात? तो 10,00,000 रुपया में 2,00,000 रुपया 1,00,000 1,00,000 करके नेक्स्ट ईयर पे होगा, बैलेंस 8,00,000 उसके बाद पे होगा, 1,00,000 रुपया करके 8 इंस्टॉलमेंट। ध्यान से हम लोगों ने सीखा, अगर कोई लाइबिलिटी ऐसी है जिसका सेटलमेंट होने वाला है विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द रिपोर्टिंग डेट, 12 मंथ्स फ्रॉम द रिपोर्टिंग डेट, उसको करंट लेना है, अदर सारा हो जाता है नॉन करंट। ये जो दो लोन के इंस्टॉलमेंट है, दो लोन के इंस्टॉलमेंट, ये 31 मार्च 2020 से 31 मार्च 2021 के अंदर पे करने हैं विद इन 12 मंथ्स, ये हो गए करंट लाइबिलिटी। उसके बाद जो पे करने हैं वो अभी के लिए हो गया नॉन करंट लाइबिलिटी। जो करंट पार्ट होता है, करंट मैच्योरिटी होता है, उसको हम लोग शो करते हैं अंडर दी हेड अदर करंट लाइबिलिटी। कहां शो करते हैं? अदर करंट लाइबिलिटी। तो 2,00,000 में चला जाएगा अदर करंट लाइबिलिटी। इसको क्या बोलते थे याद करना? करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग, करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग। और ये 8,00,000 चला जाएगा लॉन्ग टर्म बोरिंग के अंदर। कहां चला जाएगा? लॉन्ग टर्म बोरिंग। तो यही बोल रहा है, इस लोन को बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंट करना है। हमने बोला 10,00,000 का लोन है, 2,00,000 नेक्स्ट ईयर पे करना है, वो करंट लाइबिलिटी अदर करंट लाइबिलिटीज में चला जाएगा, करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग। और जो 8,00,000 उसके बाद पे करना है वो लॉन्ग टर्म बोरिंग, वो चला जाएगा नॉन करंट लाइबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के हेड के अंदर। डन है क्या? अच्छा क्वेश्चन है, क्लास में ऐसा एग्जाम्पल आपको करवाता हूं, इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन दिया है, जरूर ध्यान से देख के जाना। डन है बात? आगे चलता हूं, 3A 3 2, ये वाला 3A का 2। अच्छा क्वेश्चन लगा मेरे को, whether the accounting treatment at cost under long term investment without providing for any diminution is correct and in accordance with provision of AS 13। बोल रहा है long term investments का जो हम लोग valuation करते हैं cost पे, वो जो diminution की जो वैल्यू में फॉल होता है, करंट को कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर, तो अगर इसका वैल्यू में फॉल होता है वो तो हम लोग रिकॉर्ड मेजर कर लेते हैं, बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आर मेजर्ड एट कॉस्ट, तो उसकी वैल्यू में अगर कोई गिरावट है तो क्या उसको हम लोग नहीं दिखाए? ये सही है। आगे, इफ नॉट व्हाट शुड हैव बीन द ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन सच अ सिचुएशन। ओके, व्हाट मेथोडोलॉजी शुड बी अडॉप्टेड फॉर असर्टेनिंग द प्रोविजन फॉर डिमिनिशन इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इफ एनी, एक्सप्लेन इन ब्रीफ। ठीक है, हम लोग बोलेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 बोलता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट शैल बी वैल्यूड एट कॉस्ट। एकदम कॉस्ट पे वैल्यू करना है, फेयर मार्केट वैल्यू देखने की जरूरत नहीं है, फॉर द टाइमिंग कॉस्ट पे वैल्यू करना है। बट अगर कोई डिम्यूनिशन है, डिम्यूनिशन विच इज परमानेंट इन नेचर, अदर देन टेम्पररी वर्ड यूज करते थे हम लोग, अदर देन टेम्पररी, परमानेंट डिम्यूनिशन है, फिर हम लोगों को वो लॉस प्रोवाइड फॉर करना पड़ता है, लॉस शैल बी प्रोवाइडेड फॉर। बट अगर कोई डिम्यूनिशन टेम्पररी नेचर का है, टेम्पररी नेचर का, फिर उन डिम्यूनिशन को कंसिडर करने की जरूरत नहीं, वो तो अपना जाएगा जहां जाता है, यानी पीएल, सॉरी, वो अपना इग्नोर हो जाएगा, उसको इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कुछ करने का जरूरत नहीं है। बट अगर परमानेंट डिम्यूनिशन है तो उसका प्रोविजन बनाना है, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू को कम करना है, जो लॉस है वो पीएल में जाना पड़ेगा। डन है? बोल रहा है ये प्रोविजन को बनाने का क्या तरीका है? देखो, पहला तरीका है, हम लोगों को खाली फेयर मार्केट वैल्यू चेक करने से नहीं होगा। जैसे 100 रुपए में एक शेयर खरीदा, सोचा 10 साल तक रखूंगा, इसकी फेयर मार्केट वैल्यू ईयर एंड पे 98 हो गई, तो सर क्या ये परमानेंट फॉल मान के 2 रुपए लॉस प्रोवाइड कर दे? नहीं, फेयर मार्केट वैल्यू सिर्फ परमानेंट डिम्यूनिशन का, क्या बोलूं तुमको, पैरामीटर नहीं है। आपको चेक करना पड़ेगा वो डिम्यूनिशन हुआ क्यों, क्या उस डिम्यूनिशन का लॉन्ग टर्म इंपैक्ट रहने वाला है उस कंपनी में, क्या ये जो प्राइसेस है वो फ्यूचर में बढ़ेंगे आगे, या जो मैंने जिस दाम पे खरीदा उतना कभी जा ही नहीं सकता। अगर ऐसा टाइप का डिम्यूनिशन है, दैट शैल बी कंसिडर्ड एज परमानेंट, बट ये नॉर्मल जो फ्लक्चुएशन इन प्राइस है उसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। तो हम लोग बोलेंगे कॉस्ट पे वैल्यू करना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को इज इन अकॉर्डेंस विद एएस 13, जो रेगुलर डिमिनिशन है दे शैल बी इग्नोर्ड। हाउएवर, इफ द डिमिनिशन इज परमानेंट इन नेचर, देन द लॉस शैल बी प्रोवाइडेड फॉर एंड द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट शैल बी रिड्यूस्ड। While considering the amount of provision for diminution, only fair market value shall not be the parameter. The extent of loss, the permanent nature of the loss, the nature of recovery of the prices of the shares of the company shall also be taken into account. Done hai baat? Aage chalte hain.
ये क्वेश्चन सिंपल है, डिपार्टमेंट सिंपल है, सिंगल एंट्री सिंपल है, आप सब देख सकते हो, प्री पोस्ट में ऐसा कुछ है नहीं। ब्रांच वाला भी अच्छा क्वेश्चन दिया है, इजी क्वेश्चन दिया, आप दोनों क्वेश्चन जरूर करना, आपको मजा आएगा। एक जो ब्रांच का क्वेश्चन दिया वो तो आपको डिपार्टमेंट जैसा लगेगा, खाली वो स्टॉक रिजर्व एलिमिनेट करने का क्वेश्चन है, ठीक है। ये रिडेम्पशन का क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, बोनस का ये क्वेश्चन मैं डिस्कस इसलिए करना चाहता हूं, ये क्वेश्चन मैं डिस्कस इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि बहुत बच्चे ये चैप्टर देखते ही नहीं है, छोड़ देते हैं, इसीलिए मैं ये क्वेश्चन एक बार आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2020, अ नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी वॉज ऑब्टेन। कंपनी की इंफॉर्मेशन दी है और बोला है नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी, आपको कैपिटल दे दिया, रिजर्व्स दे दिया, डिबेंचर, लोन, इन्वेस्टमेंट, पीएल का डेबिट बैलेंस। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट इफेक्टिव कैपिटल। इफेक्टिव कैपिटल याद है क्या? अगर एक लॉस मेकिंग कंपनी है, लॉस मेकिंग कंपनी, पब्लिक कंपनी, लॉस मेकिंग कंपनी है, वो अपने जब डायरेक्टर्स को रेम्यूनरेशन पे करेगी ना, रेम्यूनरेशन, उसको रेम्यूनरेशन पे करना होगा एज पर इफेक्टिव कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ द कंपनी। अब इफेक्टिव कैपिटल कैसे निकलता था? उसमें आता था पेड अप शेयर कैपिटल, इक्विटी प्रेफरेंस दोनों, उसमें आते हैं रिजर्व सरप्लस, एक्सेप्ट रीवैल्यूएशन रिजर्व, रीवैल्यूएशन रिजर्व नहीं आएगा, उसमें आएगी लॉन्ग टर्म नेचर के डेट्स, चाहे डिबेंचर्स हो, चाहे अनसिक्योर्ड लोन हो, पब्लिक डिपॉजिट हो, लॉन्ग टर्म नेचर के, इससे हम लोग माइनस करेंगे पीएल का डेबिट बैलेंस लॉसेस, इससे हम लोग माइनस करेंगे फिक्टिशियस एसेट, जो लॉसेस अभी तक रिटर्न ऑफ नहीं है, फिक्टिशियस एसेट, इससे हम लोग माइनस करेंगे इन्वेस्टमेंट। इफ द कंपनी इज अ नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी, अगर इन्वेस्टमेंट कंपनी है तो इन्वेस्टमेंट माइनस नहीं होगा, नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी है तो इन्वेस्टमेंट माइनस होगा। ये करने के बाद जो कैपिटल निकलेगा उसको बोलते हैं इफेक्टिव कैपिटल एम्प्लॉयड। तो हमारे क्वेश्चन में 20 लाख आएगा, 96 लाख आएगा, कैपिटल इज अ 195 जिसमें 150 रीवैल्यूएशन है, तो यहां आएगा 45, 50 आएगा, ये आएगा 50,000, 65 लाख डिबेंचर आएगा, अनसिक्योर्ड लोन, पब्लिक डिपॉजिट आफ्टर वन ईयर, लॉन्ग टर्म नेचर का आएगा, ये सारा ऐड करेंगे, इन्वेस्टमेंट माइनस करूंगा मैं क्योंकि नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी क्वेश्चन ऑलरेडी बोल दिया, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस ये भी मैं माइनस करूंगा, ये जो रहेगा ये आ जाएगा इफेक्टिव कैपिटल एम्प्लॉयड। बच्चे आप ये पोर्शन छोड़ के चले जाते हो क्योंकि बहुत छोटा सा पोर्शन रहता है, आपको लगता है क्या ही आएगा, बट ट्रस्ट मी पुराने साल के पेपर चेक करो, आपको हर ऑल्टरनेटिव टर्म, हर टर्म में ये पॉइंट दिख जाएगा। प्लीज ये वाला पार्ट आपको करके जाना है। आगे चलते हूं, सिंपल है क्वेश्चन, हायर परचेस का क्वेश्चन सिंपल है, ये आ जाओ क्वेश्चन नंबर डी, लास्ट क्वेश्चन। एबीसी लिमिटेड हैज एंटर्ड इनटू बाइंडिंग एग्रीमेंट विद एक्सवाईजेड लिमिटेड टू बाई अ कस्टम मेड मशीन अमाउंटिंग टू 4 लाख। एज ऑन 31 मार्च 2020, बिफोर डिलीवरी ऑफ द मशीन, एबीसी लिमिटेड हैज टू चेंज इट्स मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। द न्यू मेथड विल नॉट रिक्वायर द मशीन ऑर्डर्ड, जो मशीन ऑर्डर किया है उसका अब जरूरत ही नहीं है, एंड इट शैल बी स्क्रैप्ड आफ्टर डिलीवरी, आने के बाद भी हमको स्क्रैप करना पड़ेगा, मेरे लिए कोई काम नहीं है। द एक्सपेक्टेड स्क्रैप वैल्यू इज निल, और स्क्रैप वैल्यू भी जीरो है, मतलब 4 लाख का मशीन का ऑर्डर दे दिया, बट क्योंकि यहां पे हमारी प्रोडक्शन का प्रोसेस हमने चेंज कर दिया, अब वो मशीन हमारे लिए कोई काम की नहीं, आते ही बेच देना है, और स्क्रैप वैल्यू भी जीरो आएगा, कुछ रियलाइज नहीं होने वाला, ठीक है। शो द ट्रीटमेंट ऑफ मशीन इन द बुक्स ऑफ एबीसी लिमिटेड। पहले बताओ, ये जो हम लोग एक मशीन अक्वायर कर रहे हैं पीपीई, क्या इस पीपीई को हम लोग एसेट बोल के रिकॉर्ड करेंगे? नो सर, नो एसेट रिकॉग्निशन। रीजन बताओ सर, एसेट तभी रिकॉग्नाइज करते हैं जब ये प्रोबेबल हो कि इससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आएगा। सर इससे तो कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं आएगा, तो पीपीई को एसेट में रिकॉर्ड नहीं करूंगा, ठीक है। अगर कोई एक ऐसा खर्चा होने वाला है जिसका हमको पता है कोई बेनिफिट नहीं है फ्यूचर में, तो उसको हमको क्या करना चाहिए? सर एक्सपेंस बोल के, एक्सपेंस बोल के पीएल में राइट ऑफ कर देना चाहिए सर। अब इसको आगे टान के कोई फायदा नहीं क्योंकि सर इस एक्सपेंस का बेनिफिट खत्म हो गया, तो ये जो 4 लाख रुपया है मैं एक्सपेंस बोल के पीएल में राइट ऑफ कर दूंगा, और ये जो मेरे को 4 लाख रुपया क्रेडिटर को देना होगा, ऐसा थोड़ी उसको बोलेंगे हम मशीन नहीं लेंगे, बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है, इंटर कर चुके हैं, हमको देना ही पड़ेगा, तो ये 4 लाख रुपया जो है ये मेरे लिए लाइबिलिटी आ जाएगा, ये क्रेडिटर मेरे को 4 लाख रुपया का दिखाना पड़ेगा। सर अभी तक तो मशीन आया ही नहीं, फर्क नहीं पड़ता है, लाइबिलिटी हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं जब प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हो,
और ये प्रोबेबल हो कि हमको फ्यूचर में पेमेंट करना पड़ेगा। मैंने मशीनरी में बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट इंटर में कर चुका हूं, मेरे को ये मशीन खरीदना ही पड़ेगा, तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन आ चुका है, प्रोबेबल है कि फ्यूचर में आउटफ्लो होगा, तो ये 4 लाख का लाइबिलिटी भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ये बेसिक से क्वेश्चन था, ये मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 भी नहीं बोलूंगा, ये बेसिक नॉलेज से क्वेश्चन था। तो मैं बोलूंगा लाइबिलिटी को रिकॉर्ड करना पड़ेगा, अगर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन और प्रोबेबल है कि फ्यूचर में आउटफ्लो होगा तो 4 लाख का लाइबिलिटी रिकॉर्ड होगा। एसेट का रिकॉग्निशन नहीं हो सकता क्योंकि कोई फ्यूचर बेनिफिट प्रोबेबल नहीं है, तो वो एसेट का रिकॉग्निशन अलाउड नहीं है। और अगर एसेट रिकॉर्ड नहीं कर रहा तो ये जो 4 लाख का खर्चा है ये एक्सपेंस बोल के पीएल में राइट ऑफ कर दूंगा मैं। देन है क्या बात, ये था आपका मॉक टेस्ट पेपर जो इंस्टीट्यूट ने आपके लिए बनाया था। मैं अभी भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपको सारे क्वेश्चन करने हैं, मैंने जो इंपॉर्टेंट थे वो सारे करवा दिए, प्लीज इस मॉक टेस्ट पेपर को देख के जाइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।